How to open a US bank account as a non-US resident. Assalamu alaikum, I am Uzair Usmani and today I am gonna tell you three different ways to open a US bank account as a non-US resident. US में mostly bank account US resident को prefer करते हैं, allow करते हैं कि वो US bank account open करें. इनके पास US की residency है, US nationality है, SSN number है. But non-US resident को किस तरह से US bank account open करना होता है, और some banks allow भी करते हैं non-US resident को, but वो physical presence required करते हैं. तो आज की इस वीडियो हम लोग step by step समझेंगे इन चीज़ों को, और three different ways के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से आप लोग US में अपना bank account बनवा सकते हैं as a non-US resident. Number one is go to the bank. So if you are in the UK, so you can go to the bank and open a US bank account by physical presence in the USA. अगर आप लोग US में मौजूद हैं या आप लोग tourist visa पे हैं या किसी भी immigration के थ्रू आप लोग जो है वहाँ पर US में मौजूद हैं, तो you can go to the bank and open a bank account. Just requirement होंगी आप लोगों को proof of address show करना होगा, proof of identity वगैरह show करनी होगी, and then you can open a US bank account on your details. अब बात करते हैं सेकंड वे की कि अगर आप लोग यूएस में मौजूद नहीं हैं तो आप लोग किस तरह से यूएस का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं. द सेकंड वे इज यू कैन ओपन एन एलएलसी और रजिस्टर्ड एन एलएलसी एंड ओपन अ बैंक अकाउंट इन द यूएस. इसके लिए आप लोगों को यूएस में एलएलसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी. एलएलसी रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में की जा सकती है यूएस में, एंड देन उस एलएलसी की बिहाफ पे आप लोग अपना बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करेंगे इन सम बैंक्स. लिस्ट आर आप इजीली ओपन कर सकते हैं वाइस में, योनिर में, मार्करी में, ब्रेक्स है, हाई बीम है, नोवो है, एंड मल्टीपल मैनी बैंक अकाउंट यू कैन सी के आप लोग उनमें बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं. ये यूजुअली फिनटेक बैंक्स होते हैं, ऑनलाइन बैंक्स होते हैं, वर्चुअल बैंक्स होते हैं जो वर्चुअली वर्क करते हैं और आप लोगों को यूएस की बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं विद डेबिट कार्ड, एंड यू कैन इजीली ट्रांसफर विद इन द यूके एंड यू कैन आल्सो इंटरनेशनल ट्रांसफर. एंड आप लोगों को इसके साथ साथ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह भी मिलता है जो आप लोग अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं. सो हम एक एक करके भी डिस्कस करते हैं कि अब ये बैंक अकाउंट आप लोग किस तरह से ओपन कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी यूएस में एलएलसी को रजिस्टर्ड करना होता है. आप लोग की लाइक वायोमिंग स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट, टेक्सास स्टेट, इन स्टेट में आप लोगों ने अपनी एलएलसी को रजिस्टर्ड करना होता है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर ईआईएन. आप लोगों को ईआईएन नंबर पर अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन यू विल गेट योर ईआईएन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर अ बैंक अकाउंट ओपनिंग. उसके बाद आप लोग बैंक अकाउंट ओपनिंग पे अप्लाई करते हैं. तो यूजुअली यही वे हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए पहले एलएलसी ओपन करते हैं, देन उनका ईआईएन अप्लाई होता है, एंड देन उनका जो है वो बैंक अकाउंट अप्लाई होता है. अभी फिनटेक बैंक अकाउंट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर कंट्रीज पर ये अवेलेबल नहीं है ये फिनटेक बैंक अकाउंट. लाइक पाकिस्तान के हवाले से हम लोग बात करते जाएँ तो पाकिस्तान में वाइस बैंक बन जाता है यूएस एलएलसी पे, बट आजकल आप लोगों को पता है कि यूएस एलएलसी पे वाइस बैंक जो है वो यूएस करेंसी की डिटेल्स नहीं दे रहा, जीबीबी एंड अदर करेंसी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाती है. अब बात करें प्योनियर बिजनेस अकाउंट की, तो यू कैन इजीली ओपन प्योनियर बिजनेस अकाउंट ऑन योर एलएलसी. अब इसमें जो एक इशू आता था अक्सर के जब लोगों को वाइस का बिजनेस अकाउंट बन रहा है बट उस पर यूएसडी करेंसी की डिटेल्स नहीं मिल रही है, तो प्योनियर बिजनेस अकाउंट किस तरह से साइन अप करेंगे, तो इस प्रोसेस में आप लोगों के लिए हल ये है कि हमारी यूट्यूब की वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं. आई बटन पर लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को, या डिस्क्रिप्शन में या यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं. उस वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि आप लोग प्योनियर के बिजनेस अकाउंट किस तरह से साइन अप करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ योर एलएलसी, और आप किस तरह से ये जो लास्ट स्टेप में वाइस बिजनेस अकाउंट आप लोग अटैच करते थे उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे. ये है पाकिस्तानियों के लिए खासतौर पर. और अगर आप लोग यहाँ पर बात करें कि इंडियंस हैं, यूएई नेशंस हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं इंडियंस हैं, या और किसी भी कंट्री में रहते हैं जो प्रोहिबिटेड कंट्रीज नहीं है, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं. अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं लाइक इंडियन है, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यूएई में, तो यूएई वगैरह में, तो आप लोग इजीली ओपन कर सकते हैं मर्करी बैंक अकाउंट. मर्करी बैंक अकाउंट इज़ वेरी वेरी गुड बैंक अकाउंट, और अगर ये पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड नहीं होता, ये पाकिस्तान को ब्लॉक नहीं करता, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बैंक जो है मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से मर्करी बैंक ही होता. बट अनफॉर्चुनेटली इन 2021 और 2020 मर्करी ने पाकिस्तान को जो है ना डिसअप्रूव कर दिया था, और उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल अब मर्करी पर बिजनेस अकाउंट ओपन नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ एलएलसी. तो यहाँ पर अगेन पाकिस्तानियों के लिए इशू आता है. तो सबसे इजी वे पाकिस्तानियों के पास वाइस है, पियोनियर है, ये दो इजी वेज हैं. उसके अलावा मर्करी
नोवो बैंक हो गया, रिले फाइनेंशियल हो गया, हाई बीम हो गया, ब्रेक्स हो गया, ये सारे बैंक्स में पाकिस्तानी को इश्यूज होते हैं। अदरवाइज पाकिस्तानियों के अलावा इंडियंस, यूएई नेशंस, मिडिल ईस्ट नेशन, आप लोग इजीली इन अकाउंट्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी एलएलसी बनवाने के बाद। जो आपको प्रोसेस बताया गया है कि पहले एलएलसी बनवाएं, देन यहां अप्लाई करें, एंड देन आप लोग अपने बैंक अकाउंट ओपन करें। अगर इस प्रोसेस में इशू आता है तो आप लोग वेबिक सॉल्यूशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेबिक सॉल्यूशन अपने क्लाइंट्स को यही सर्विस प्रोवाइड करता है। और आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, उसके बाद हमारी सर्विस का जायजा लेने के बाद हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके अपनी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि थर्ड ऐसा कौन सा वे है कि जिसको यूज करते हुए आप लोग अपना यूएस में ओपन कर सकते हैं बैंक अकाउंट। सो नंबर थ्री वे इज यूज अ मैनेजर। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक मैनेजर को यूज करना पड़ेगा जो यूएस में फिजिकली प्रेजेंट होगा और वो ऑन बिहाफ योर एलएलसी सारे काम करेगा और बैंक जाएगा। बैंक जाने के बाद फिजिकली विजिट करने के बाद अकाउंट ओपन करेगा, उनको बताएगा कि आई एम जस्ट अ मैनेजर एंड आई एम ओपनिंग अ बिजनेस बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस एलएलसी। और आपकी जो डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह जाएंगे वो आपके ओनर के डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह जाएंगे जो एलएलसी के ओनर है। तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। इस केस में मैनेजर सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन और सारा फिजिकल प्रेजेंस से जो साइन वगैरह प्रोसेस होता है वो सब करता है। तो मैनेजर उसको साइन किया जाता है और आप लोग की एलएलसी बनाई जाती है यूएस में, और फिर वो फिजिकली जाकर आप लोग के बैंक अकाउंट ओपन करता है। इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कैपिटल वन का बैंक अकाउंट इजीली ओपन हो सकता है, इस तरह से चेस का हो सकता है, सिटी का हो सकता है, और काफ़ी सारे वर्ल्ड फार्मो का भी हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन आप लोग के पास खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। बट यूजुअली इस केस में थोड़ा सा इशू रहता है और मेरी तरफ से थोड़ा सा नॉन रिकमेंडेड है, अनटिल अनलेस अगर आप लोगों के पास कोई सर्विस प्रोवाइडर या तो आप लोगों का जो मैनेजर असाइन हुआ है आपने खुद किया तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, यानी कि आपका उसका रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो। अब लाइक इसमें मोस्ट केसेस में क्या होता है कि बहुत सारी एजेंसीज भी हैं जो ये सर्विसेज देती हैं, बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करके देती हैं, बट उनके पास जो उनके मैनेजर असाइन करती हैं वो समटाइम्स कुछ टाइम बाद जो है ना वो भाग जाते हैं या जो है ना वो उनसे रबते नहीं रहते, इन कॉन्टैक्ट नहीं रहते। तो अगर आप लोगों का अकाउंट चल रहा है और उसमें पेमेंट वगैरह है, अमाउंट है और कोई इशू आ जाता है, तो आप लोगों को उसी मैनेजर के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो है ना सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और उसकी जो है ना वो रिक्वेस्ट करके दोबारा से सारी चीज़ों को आपको वाइंड अप करना पड़ेगा ताकि आपका बैंक अकाउंट इजीली रन कर सके। तो यहाँ पर उसका एक डिपेंडेंसी आ जाती है आपके मैनेजर पर। तो ये थोड़ा सा नॉन रिकमेंडेड है बट लोग यूज़ करते हैं। मैं रिकमेंड यही करूँगा आप लोग यूज़ करें भले, क्योंकि आप लोग के पास कोई ऑप्शंस नहीं है फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन करने के, तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करें इनवे को, बट ऐसी एजेंसीज के साथ काम करें जो एजेंसी ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने रैंडम किसी के साथ काम किया है चीप के चक्कर में, तो उसकी वजह से आप लोगों को नुकसान का फेस करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आके आपका यह बैंक अकाउंट काफ़ी कॉस्टली बनेगा और अगर इसमें कोई इशूज़ आते हैं तो आप लोग फंस भी सकते हैं, मतलब आप लोग के बिजनेस स्टक हो सकता है, आपकी अमाउंट स्टक हो सकती है। तो ये थे थ्री वेज, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अच्छा, अब ये मैनेजर जो था इसमें आप जो है वो किसी अपने रिलेटिव को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मामू हो, ताया चाचू हो जो वहाँ पर हो, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए मैनेजर और वो आपके सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाता है प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही और काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज को रिजॉल्व किया होगा और आप लोगों को वेज का पता लगा होगा कि किस तरह से आप लोग ओपन कर सकते हैं। आई नो यहाँ पर पाकिस्तानीज के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि उनके पास ऑप्शंस काफ़ी कम है, लाइक वाइज और पियोनियर के अलावा और ऑप्शंस इतने ज़्यादा वाइडली नहीं है। तो ये इशू है पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं बाहर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से और सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से उन लोगों को जो है वो ये रिस्ट्रिक्शंस लेनी पड़ी है। पाकिस्तान अब पाकिस्तानी नेशन अब जो है वो नहीं बनवा सकते हैं मरकरी अकाउंट हो गया या इस तरह के बैंक अकाउंट वगैरह हो गए। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अगेन इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ नए बैंक अकाउंट लेके आएंगे ताकि पाकिस्तानीज को जो ये मसला फेस आ रहा है ये मसला रिजॉल्व कर सकें हम लोग, और पाकिस्तानियों को भी जो है ना वो ये बैंक अकाउंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें और आप लोग अपने बैंक अकाउंट बनाने के बाद अपने जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं उसमें कोई भी हर्डल फेस ना कर सकें। सो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों और बिजनेस फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियोस को शेयर किया करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। फिलहाल के लिए आज इतना, इसी तरह के नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ हाजिर होंगे आप लोगों की खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।